ये हमारे साथ जो भाई साहब है वो यहाँ पे वैसे द्वारका जो मंदिर है, जैसे हमारे भारत में चार धाम है उनमें से एक द्वारका, द्वारिकाधीश जिसे कहते हैं, वो वहाँ पे ही द्वारका में ही रहते हैं और वहाँ मूर्तियाँ तराशने का, पत्थर में से जो मूर्ति बना रहे, कौन सी मूर्ति बना रहे आप? सब सब पत्थर, कोई भी पत्थर का भगवान, कोई भी वहाँ का मंदिर के आसपास ही आप द्वारिका में, द्वारिका में आप बना के बेचते हो? नहीं नहीं, मंदिर का टेम्पल का काम करते, टेम्पल का काम बराबर, एक एस्टिमेट है 50,000-100 करोड़ रुपए। अब कितने टाइम से यहाँ पे है आप? 6 महीना हो गया, 6 महीने से, 6 महीने से ये मंदिर का अभी ये काम कर रहे हैं। और वैसे ये लोग है अपने जगन्नाथपुरी के, अपने जो भारत का चार धाम है उसमें द्वारका तो आता ही है, वैसे जगन्नाथपुरी भी जो आता है वहाँ उड़ीसा के है। क्या नाम सर आपका? पिंटू, पिंटू भाई है। और आपका नाम? अजय, अजय भाई। और आप? शशिकांत, शशिकांत है। ये लोग और वहाँ कैसा है जगन्नाथपुरी में? बहुत बढ़िया, अब एक बार जाओ घूम के आओ, समुंदर है, सब कुछ है। जैसे भारत का ये पश्चिमी हिस्सा है, लास्ट जमीनी हिस्सा, वैसे ही वो जगन्नाथपुरी, वो पूर्व का लिंगराज है, कोणार्क है, खंडगिरी, उदयगिरी म्यूजियम है, बहुत सारे है, चंद्रभागा, चंद्रभागा इधर सूर्य जो पहली बार शुरू होते हैं कोणार्क में, कोणार्क टेम्पल जो कहते हैं, अस्त होते हैं इधर द्वारिका में, इधर शुरू होते हैं इधर लास्ट होते हैं। ये भैया ने हमें बहुत बढ़िया बात बताई, जो हमारा सूर्य है जो जहाँ से उदय होता है, सूर्योदय जो वो कोणार्क से पहले किरण कोणार्क होता है, और वहाँ से सुबह का सूर्य जो है वो सूर्योदय होता है, और जो अस्त होता है वो इधर द्वारिका की ओर गुजरात में होता है, पश्चिम में। हमें पढ़ाई में आता ही है कि पूर्व में से सूरज उगता है और पश्चिम में बहल दिशा में ढलता है ना, कोणार्क के पहले मूर्ति के ऊपर। अच्छा, वहाँ पे बनता है वो जो बीटीसी तोड़ के ले गया। अच्छा, उधर झूला पार्क बना दिया ना बीटीसी, वो पहले जमाने का ब्रिटिश शासन कर रहा था, ब्रिटिश लोग बराबर, ब्रिटिश लोग वो मैग्नेट को तोड़ के ले गया, इसका झूला मॉडल बना दिया झूला पार्क। चलो आपसे मिलके मजा आया, नाइस टू मीट यू। एक फोटो ले लेते।